प्रदेश भर में शिक्षा क्षेत्र में अव्वल जिला हमीरपुर के सरकारी स्कूलों में इस बार बोर्ड परीक्षा के गिरते हुए परिणाम के ग्राफ से हर कोई चिंतित लग रहा है। इसी के चलते अब हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सरकारी स्कूलों का दौरा करके खराब परिणाम के कारणों का पता लगाने की मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल हमीरपुर का दौरा किया और खराब परिणाम को लेकर अध्यापकों की क्लास लगाई। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बाकायदा सभी स्कूल अध्यापकों से खराब परिणाम को लेकर जवाब तलब किया तो अध्यापकों पर कार्रवाई करने के लिए फरमान भी सुनाया। बता दें कि बाल स्कूल का 10वीं कक्षा का परिणाम बेहद ही खराब रहा है। कुल 69 बच्चों में से 12 बच्चे ही पास हुए हैं, जबकि जमा दो में परीक्षा परिणाम 20% ही रहा है, जिस पर अब विधायक ने भी खराब परिणाम को लेकर बीड़ा उठाते हुए स्कूलों में जाकर स्पष्टीकरण मांगने का काम शुरू किया है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों के खराब परिणाम की चिंता हुई है और आगे के लिए ऐसा ना हो इसके तहत ही अध्यापकों को निर्देश दिए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि खराब परिणाम को लेकर स्कूल का स्टाफ भी बहाने बनाता नजर आया है और सीरियस नहीं दिखा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि स्कूल में राजनीतिक दखलअंदाजी कतई सहन नहीं की जाएगी। यहाँ पर स्टाफ भी काफी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा है, इसके बावजूद रिजल्ट इतना डाउन आया है, नेचुरली है, मुझे भी इसके बारे में चिंता हुई और मैंने उचित समय स्टाफ के साथ इसके बारे में चर्चा की जाए ताकि इन फ्यूचर हमेशा परिस्थिति द्वारा न गुजरना पड़े। मैंने कहा दिया सारा डिटेल में इनसे पूछा भी गया, वजह क्या रही, वजह सिर्फ जो सामने, बाकी तो चलो छोटी मोटी कई चीजें इन्होंने काफी एक्सक्यूज दिए, लेकिन वजह सिर्फ सबसे ज्यादा मुझे लगी है कि जो यहाँ का जो स्टाफ था वो मुझे इतना ज्यादा सीरियस इसके बारे में नहीं लगा। बहाने उन्होंने दिए और जैसे हमने महसूस किया कि यहाँ कुछ लोग जो थे, कुछ ऑफिशियल जो थे, कुछ टीचर जो थे, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ राजनीति के ऊपर भी ज्यादा यहाँ पर चर्चा चली होती थी, तो मैंने उनको आज वार्न कर दिया इसके बारे में। ये स्कूल टाइम में कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बाहर आप जो मर्जी करिए, और खासकर पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के बारे में जो हो गया वो हो गया। इन फ्यूचर अगर ऐसा डट हमें मिला तो इसका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उचित, वो जो भी हमें लगेगा उनका उसी ढंग से अरेंजमेंट किया जाएगा। बिल्कुल सही है, साथ में हमारे का स्कूल बढ़ता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसका ठीक है, बहुत उसका बहुत ठीक है, लेकिन पहले इस बार एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ कि हमीरपुर जिले में हर जगह सीसीटीवी कैमरे मिले। होता क्या था कि बच्चों को नकल दिला के रिजल्ट को बेटर किया जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बार सरप्राइजिंग सीसीटीवी कैमरे लगे और ना अध्यापक ना बच्चे इसके लिए तैयार थे। सिस्टम यह था बच्चा फेल कोई नहीं करना, इसका भी इफेक्ट पड़ा है कि फेल तो किसी ने होना नहीं है, लेकिन जैसे हमारी सरकार आई हमने शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन देने की ओर अपना पूरा इसमें फोकस किया, इसलिए पढ़ाई के मामले में कोई नकल नहीं चलेगी, कोई किसी ऑफिशियल की ढील नहीं चलेगी, और ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। इससे हम इन फ्यूचर मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में नकल बंद होगी, बच्चे भी सीरियस होंगे और स्टाफ भी सीरियस होगा। कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए, जिसकी जो कमी थी उसका नतीजा में इस बार हमें भुगतना पड़ा, हमारे कई बच्चों को जो है वो रिवर्स होने पड़े, उसी क्लास में रहना पड़ा, और हमारी सरकार इसके बारे में चिंतित है। इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि हमारे आगे वाले रिजल्ट वो बेटर आएंगे। वहीं डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी हमीरपुर सोमदत्त संख्यान ने कहा कि जिन स्कूलों में खराब परिणाम है वहां के अध्यापकों से कारण बताओ नोटिस मांगा गया है और जिन विषयों में 25% कम परिणाम आया है उन विषयों के अध्यापकों की एसीआर में खराब लिखा जाएगा। उसमें उनको सोकॉल्ड नोटिस इश्यू किए जाएंगे, कारण पूछा जाएगा कि क्या कारण रहे हैं उनके कम रिजल्ट,
और सरकार की तरफ से स्थायी निर्देश है कि जिन अध्यापकों का रिजल्ट 25% से कम आता है तो उनकी जो सालाना गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें पुअर ग्रेडिंग उनको दिया जाए, और इसी तरीके से जिस स्कूल का है उस स्कूल के मुखिया का भी के लिए भी यही प्रपोजल है।